दोस्तों, अगर आप एक कीपैड मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं अपने मम्मी पापा के लिए या किसी रिश्तेदार को गिफ्ट करने के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज हम इन दो फ़ोन की कंपैरिजन करके आपको बताएंगे कि कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए और क्यों। एक तरफ है सैमसंग का गुरु 1200 और एक तरफ है लाभा का हीरो 600i, जो कि एक इंडियन कंपनी है। आज हम इन दो फ़ोन की अनबॉक्सिंग एंड कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे इसके बारे में सब कुछ कि क्या प्राइस रहेगी और क्या क्या फीचर डिफरेंस इसमें आपको मिलेगा। पहले हम सैमसंग को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अनबॉक्सिंग करने में हमें पहले इसमें मोबाइल मिल जाता है जो कि वाइट कलर का है, और हमें एक चार्जर भी मिलता है और एक बैटरी भी मिलता है, और इसमें आपको यूजर गाइड भी मिल जाता है। ये देखिए, अब लाभा के हीरो 600i का अनबॉक्सिंग करेंगे। इसमें भी हमको एक चार्जर मिलता है और एक बैटरी, डॉक्यूमेंट्स इसमें हमें कुछ नहीं मिलता है। तो चलिए अब इन दोनों के फ़ोन की चार्जर की क्वालिटी देख लेते हैं। मुझे पर्सनली सैमसंग की क्वालिटी थोड़ा बहुत अच्छा लगा, लेकिन लाभा का जो चार्जर का पिन है वो आसानी से मार्केट में मिल जाता है। सैमसंग का थोड़ा मुश्किल है मिलना, लेकिन मिल जाता है। इस पर विनर है सैमसंग, क्योंकि उसका चार्जर क्वालिटी थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का है। अब इन दो फ़ोनों की बैटरी को भी चेक कर लेते हैं। सैमसंग का X200 मॉडल है और लाभा का BL5C। अब इन दो फ़ोनों की बैटरी एमएच को भी चेक कर लेते हैं। देखिए, सैमसंग का 800 mAh का बैटरी है और लाभा का 620 mAh की बैटरी। इसमें सैमसंग क्लियर विनर होता है, क्योंकि आपको इसमें बैटरी ज़्यादा मिलता है। अब इन दोनों फ़ोन के बैक पैनल को निकाल के आपको दिखा लेते हैं। देख लीजिए दोस्तों, अंदर कुछ इस तरह का दिखता है। सैमसंग में आपको एक ही सिम लगाने का ऑप्शन मिलता है, और लाभा पे आपको दो सिम और एक मेमोरी कार्ड स्लॉट लगाने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, लाभा क्लियर विनर होता है सैमसंग के मुकाबले। अब इन दोनों फ़ोन में हम बैटरी भी इंसर्ट कर लेते हैं, और इंसर्ट करके आपको ऑन करके भी बता देंगे कि कौन सा फ़ोन जल्दी ऑन होता है। तो चलिए एक साथ इन दोनों फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने से पहले इसके डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसका कीपैड रबर का पूरा दिया गया है दोनों फ़ोन में, और इसमें आपको कुछ भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। दोनों फ़ोन के कीपैड एक सा समान है, और इसके बैक पैनल में लाभा का प्लेन दिया गया है और सैमसंग का थोड़ा लाइनिंग किया गया है, और ऊपर की तरफ सैमसंग की ब्रांडिंग दिया गया है और यहाँ पर लाभा का ब्रांडिंग दिया गया है। और लाभा में हमें दो स्पीकर का ऑप्शन मिलता है, एक मेन स्पीकर और एक ईयर स्पीकर, लेकिन सैमसंग में हमें एक ही स्पीकर मिलता है। और ऊपर की तरफ दोनों में आपको टॉर्च लाइट देखने को मिल जाएंगे, और नीचे की तरफ सैमसंग के फ़ोन में हमें माइक होल मिलता है। और यहाँ पर लाभा की बात करें तो यहाँ पर माइक होल 3.5 mm ऑडियो जैक और चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, लेकिन सैमसंग में हमें कोई 3.5 mm ऑडियो जैक का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। और यहाँ पर इसका चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। सैमसंग का चार्जिंग पोर्ट दो काम एक साथ करता है, एक में एक इसमें आप चार्जिंग कर सकते हैं और एक आप इसमें हेडफोन भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब इन दोनों फ़ोन को एक साथ ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ऑन होता है। तो देख लीजिए, यहाँ पर क्लियर विनर लाभा का हीरो 600i है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ऑन हो चुका है, और सैमसंग का फ़ोन अभी भी ऑन नहीं हुआ है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए, ऑन हो चुका है। अब यह हमें टाइम सेट करने के लिए कह रहा है, हम नो कर देंगे। देख लीजिए दोस्तों, डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर क्लियर विनर होता है लाभा, क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्प्ले की ब्राइटनेस और डिस्प्ले की क्लैरिटी अच्छी मिलती है, और सैमसंग के मुकाबले थोड़ा बड़ा डिस्प्ले भी लाभा में हमको मिलता है। लाभा में हमें 1.8 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जबकि सैमसंग में हमें 1 इंच का ही डिस्प्ले मिलता है।
सैमसंग के एप्लीकेशन में हमें ज़्यादा कुछ एप्लीकेशन नहीं मिलता है, वही बेसिक सा एप्लीकेशन हमें मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमें लाभा में कॉन्टैक्ट मैसेज, कॉल लॉग्स, फाइल मैनेजर, म्यूजिक प्लेयर, मल्टीमीडिया सेटिंग्स, ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर में हमें कैलकुलेटर, कैलेंडर, ब्लूटूथ में मिलता है जो कि हमें सैमसंग के फ़ोन पे नहीं मिलता है। अलार्म अब इसके ट्रॉज को भी हम आपको दिखा देते हैं, दोनों को कंपैरिजन करके देख लीजिए दोस्तों। अब इसे ऑन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा इन दोनों फ़ोन के टॉर्च लाइट। मुझे पर्सनली लाभा के टॉर्च अच्छा लगा क्योंकि ये ज़्यादा ब्राइट है। और यहाँ पर लाभा में हमें कुछ गेम्स भी खेलने को मिलता है, जैसे कि लूडो, रन टाइम रन, ब्रिक एंड बॉल। और वहीं सैमसंग में हमें कुछ गेम्स खेलने को नहीं मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इन दोनों फ़ोन के प्राइस के बारे में भी आपको बता देते हैं। दोस्तों, हमें सैमसंग का गुरु 1200 मार्केट में 1400 रुपये के आसपास मिल जाता है। वहीं लाभा का हीरो 600i हमें 1000 के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी क्लियर विनर लाभा का हीरो 600i होता है। दोस्तों, मेरे हिसाब से तो हमें लाभा का फ़ोन ख़रीदना चाहिए क्योंकि हमें इसमें बड़ा डिस्प्ले मिलता है और 12 सिम का सपोर्ट भी मिलता है और मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ, गेम्स, बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। और इसमें हमें कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है लाभा के फ़ोन में। और इसका प्राइस भी सैमसंग के मुकाबले 400 रुपया कम है और ये हमारा इंडियन कंपनी भी है। लेकिन आपको कौन सा मोबाइल अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।